दिनों महेशपुर में जिस तरह से आदिवासी परिवारों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जिस तरह से हमला किया और उस मामले को लेकर के वो संथाल परिवार जब थाना में एफआईआर दर्ज करने गया कि उनके साथ में मारपीट हुई और उन लोगों ने जब एफआईआर दर्ज करने गए और उनका एफआईआर भी नहीं लिया गया और जो लोग उनको मदद कर रहे थे, जो बच्चे उनको मदद कर रहे थे, रात में उस आदिवासी छात्रावास में जा करके वहाँ के विद्यार्थियों के साथ में जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, जो मारपीट की गई, ये काफ़ी निंदनीय है। एक तरफ झारखंड सरकार हेमंत सोरेन अपने आप को आदिवासियों का सबसे बड़ा ये मानती है, लेकिन आज जब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, एक तरफ तो जमीन जा रही है और आदिवासियों का जमीन और उनकी इज्जत जा रही है, लेकिन एक शब्द भी हेमंत सोरेन के मुंह से नहीं निकलता है और प्रशासन भी इस पर चुप्पी साधे हुई है। ये बहुत ही दुखद है और इसका हम लोग विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं सरकार से कि जो दोषी पदारी है, जो सबसे पहले तो जिस थाने ने एफआईआर नहीं लिया उन आदिवासियों का, और दूसरा जिस थाने के लोगों ने ये हरकत की वहाँ के विद्यार्थियों के ऊपर, जो उनको मारा पीटा, आज वो इतनी बुरी स्थिति में है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये झारखंड प्रदेश है, आदिवासी प्रदेश है, आदिवासियों के साथ ये अन्याय भारतीय जनता पार्टी नहीं सही।